करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं, दबाओ जल्दी, दबाओ जल्दी, दबाओ फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। तो यहाँ पर गाइज लाइट मोशन एप्लीकेशन को मैं ओपन कर चुका हूँ। अब गाइज आपको दो प्रोजेक्ट मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, प्रीसेट फाइल एंड एक्सएमएल फाइल दोनों का ही। अब मैं बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा बिटमार्क प्रोजेक्ट। एक्सएमएल फाइल पे आपको हर्ट ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, एक वीडियो में दे दूंगा। अब यहाँ पर लिरिक्स आपका ऑलरेडी टाइप रहेगा और एक फॉन्ट रहेगा, तो फॉन्ट को आप देख सकते हैं सिलेक्ट करना है, इस लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट पे जाना है और आप देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट को चूज करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करना है, इंपोर्ट फॉन्ट्स पे जाना है और डाउनलोड किए हो तो डाउनलोड फोल्डर पे देखने को मिल जाएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पर चूज कर लेना है आपको, तो इस पे फॉन्ट मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ, इस पर भी, इस पर भी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका, यहाँ इतना होने के बाद आपको यहाँ पर जो बिटमार्क सब आ रहा है इस बिटमार्क के अकॉर्डिंग आपको अपना फोटोज इंपोर्ट करना है। तो जितना सारा आपका इमेजेस है आप अपना वन बाय वन इमेजेस इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7.18 सेकंड से आपको एक बिटमार्क आता है 9.14 सेकंड तक, इतना दूर, फिर 9.14 सेकंड से 11.06 सेकंड तक फोटोज इंपोर्ट नहीं करना है, उसके बाद 11.06 सेकंड से आपको फोटोज इंपोर्ट करना है वन बाय वन। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इंपोर्ट करता हूँ, देन इस कॉर्नर पे क्लिक करके इस तरह आपको जूम करना है, देन राइट एरो पे क्लिक करना है और एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला आइकन पे क्लिक करके कट, देन फिर से आपको उस मार्क से नया फोटो को इंपोर्ट करना है और वन बाय वन इंपोर्ट करके इस तरह जूम करना है, सेट कर लेना इस तरह और नेक्स्ट बिट मार्क पे कट, फिर से प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपना नेक्स्ट वाला फोटोज को इस तरह जूम कर लेना है और नेक्स्ट बिट मार्क पे कट। तो मैं इस तरह उसके बाद जितना सारा है 11.06 सेकंड से पूरा एंड तक इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फोटो सबको वन बाय वन इंपोर्ट कर चुका हूँ। अब आपको इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है और यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, 9:16 रेशियो क्रिएट प्रोजेक्ट प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और आपको जो भी इमेज पे आप वीडियोज बना रहे हो उनमें से आपको इस तरह चार इमेजेस को 9:16 रेशियो पे करने के बाद, यानी कि इस फोटो को थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लीजिएगा जो भी फोटो इंपोर्ट करना है आपको, उसके बाद देन शेयर पे क्लिक करना है, करेंट फ्रेम देन एक्सपोर्ट, उसके बाद सेव करना है। तो इस तरह आपको चार इमेजेस को 9:16 रेशियो पे कर लेना है डिलीट करने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ पर सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं दो लेयर नीचे पे देखने को मिलता है, इन दोनों लेयर को आपको इस तरह क्लिक करना है, कॉपी लेयर कर लेना है, कॉपी लेयर्स, देन इस जो आपका टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है। अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर जो लिरिक्स सब है इन पे आपको क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट। अब नेक्स्ट वाला लिरिक्स पर भी आपको इस तरह पेस्ट कर देना है और थर्ड नंबर लिरिक्स पर भी आपको यहाँ पर इस तरह पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर जो आपका पहला बिटमार्क आ रहा है उस पर क्लिक करना है और ये वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट टू लेयर्स कर देना है। पेस्ट टू लेयर्स करने के बाद दोनों ही फोटो को इस टाइम का ऑप्शन पर जाने के बाद एक्सटेंड करना इस तरह और इन दोनों फोटोज़ पे कलर एंड फिल पे जाना है, रिप्लेस पे जाना है और जो आप 9:16 रेशियो का फोटोज़ पे आप यहाँ पर बनाएं इनमें से कोई भी एक फ़ोटो रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो उसके बाद आपको फिर से इस मार्क पे पेस्ट कर देना है और दोनों मार्क तक टाइम का ऑप्शन पर जाने के बाद 11.16 सेकंड तक एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद कलर एंड फिल पे जाना है, रिप्लेस पे जाना है और अपना फोटोज़ को इस तरह यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है इन दोनों फोटोज़ पे। तो यहाँ पर मैं 9:16 रेशियो का फोटोज़ इस पर भी रिप्लेस कर चुका। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका ये, उसके बाद इन फोटो सब है, तो इन फोटोज़ में से आपको अब क्या करना है, इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है और इन में से आपको तीन लेयर और मिलते हैं। तो पहला वाला जो इनमें लेयर मिलता है, यानी कि ये पहला, देन ये सेकंड समझ लो, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट्स को ऑप्शन पर जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट के अंदर आना है
और यहाँ पर आपको ध्यान से वीडियोज़ को देखना है। 11.16 सेकंड पर जो फोटोज आता है उस पर आपको ये वाला इफेक्ट्स को पेस्ट करना है। तो देख सकते हैं ये वाला पेस्ट करने के बाद आप फोटोज़ को थोड़ा सा जूम कर लीजिए, तो मैं पेस्ट कर दिया। देन 14.32 यानी कि ये वाला इस पर आपको पेस्ट करना है और फोटोज़ को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर 17.58 यानी कि 58 इस पर भी मैं पेस्ट कर चुका, फोटोज़ को थोड़ा से जूम कर लेता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट से निकल आ जाना है, सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है और यहाँ पर उसके बाद आपका जो यहाँ पर देख पा रहे हो सेकेंड वाला है ये, इस पर क्लिक करना, थर्ड वाला, देन इफेक्ट्स का ऑप्शन पर थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना है। अब यहाँ पर बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है और जैसे कि आप यहाँ पर पेस्ट किए 11.16 सेकंड पर, उसके बाद जो फोटोज आता है 11.56 सेकंड पर पेस्ट कर देना है। देन वन फोटो एंड टू फोटो गैप देकर फिर से पेस्ट करना है नेक्स्ट वाला पर। फिर से आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये वाला ऑलरेडी है, ये इफेक्ट्स पहले से जो है आपका, उसके बाद जो इमेज आता है उस पर आपको पेस्ट करना है। आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर जैसे कि ये था आपका, देन इसके बाद आप ये वाला पेस्ट किए, देन वन टू फोटो गैप देने के बाद इस पर पेस्ट करना है। देन ये पहले से था, पहले से जो था उसके बाद फिर से आपका जो फोटो था तो उस पर पेस्ट करना है। देन फिर से वन टू छोटा गैप देकर फिर से इस पर पेस्ट कर देना है और यहाँ पर ये पहले से है, उसके बाद ये पहले से, उसके बाद फिर से आपका जो फोटोज आता है उस पर पेस्ट कर देना है, फिर से वन टू के बाद लास्ट पे पेस्ट करना है। अब इनमें से बैक करना है और यहाँ पर सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर जाना है और उसके बाद जो इमेजेस सब बाकी है इनमें से छोटा वाला फोटोज पे मैं क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स। अब जो बाकी इमेजेस है उन पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो रिमेनिंग इमेजेस पे मैं पेस्ट कर चुका, अब सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर आना है। इनमें आपको कुछ लेयर्स मिलेंगे, इन लेयर सबको इस आई का ऑप्शन पे क्लिक करके होल्ड करके इस वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी 6 लेयर कर लेना है आपको। देन बिटमार्क प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर जाके आपको पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट लेयर करने के बाद आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर ये जो है लिरिक्स कुछ इतना दूर रहता है, उसके बाद आपका हट जाता है। तो आपको अगर पसंद है इतना दूर रखना तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपका लेयर है इस लेयर को इस टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड कर सकते हैं तो वो इतना दूर चले आ जाएगा। देन आप देख सकते हैं आपको उसके बाद इस तरह देखने को मिलता है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये आई का ऑप्शन पर ये वाला हाइड कर सकते हैं और पार्टिकल जो है वो रख सकते हैं और उसके बाद आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। देखने में बहुत ही ऑसम लगता है, आप हाइड कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप अनहाइड भी कर सकते हैं। अब एंड पे आपको आना है जहाँ पर वीडियोस एंड हो रहा है और इन पे इन लेयर सब पे क्लिक करना इस तरह और ये वाला आइकन पे क्लिक कर देना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया है, शेयर पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिए।